चाची आई है चाइना से और ये आई है जापान से और मम्मी पता नहीं कहाँ से आई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ प्रैंक करने वाला हूँ स्नैपचैट फिल्टर का। तो जितने भी स्नैपचैट फिल्टर आते हैं अलग अलग मुंह के, तो जो उल्टे सीधे फेस बनते हैं उसके अंदर, वो सारे आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो कुछ अमेजिंग करते हैं, थोड़ा फैमिली के साथ फंक्शन करते हैं, प्रैंक करते हैं। एंड हाँ गाइस, आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। क्यों लेट होता है? क्योंकि भाई काम होता है और व्लॉग शूट करने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। और तुम्हारे भाई ने एक दूसरा चैनल भी क्रिएट कर लिया है जिस पे ओनली बाइक्स की, मतलब कि मोटो व्लॉग आएंगे। जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग के अंदर देखा ही होगा कि मैंने GoPro परचेज़ कर लिया है, तो उसके साथ सारे के सारे मोटो व्लॉग शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, मैंने अभी अभी जस्ट क्रिएट किया है। यार बीच में ना किसी का फ़ोन आ गया था, किसी ने जलंधर से फ़ोन कर दिया, रॉन्ग नंबर था तो मैंने काट दिया। तो फिलहाल व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और मैं क्या बोल रहा था यार, मुझे खुद याद भूल गया कि क्या बात कर रहा था मैं। और सॉरी यार, व्लॉग थोड़ा बहुत लेट हो जाता है ना, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बट मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से पूरी की पूरी कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ और बहुत सारे व्लॉग क्रिएट करूँ। तो फाइनली अपने दो चैनल हो चुके हैं, एक व्लॉगिंग का और एक मोटो व्लॉगिंग का। तो दोनों पर वीडियोज़ आएंगी। इस चैनल पर शायद थोड़ी सी लेट हो जाए, बट वहाँ पर मैं अब ज़्यादा काम करने वाला हूँ बिकॉज़ वो फ्रेश चैनल है। तो वहाँ पर मेहनत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो यार बहुत सारे व्लॉग बनाएंगे। और डेली व्लॉगिंग शुरू करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताना कि यार डेली व्लॉगिंग करना शुरू करूं या फिर नहीं, क्योंकि कंटेंट चाहिए। तो आप लोग मुझे ना नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट आप लोग देखना चाहते हैं, या फिर कुछ टिप्स वगैरह दे सकते हैं कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ये करो वो करो। तो प्रैंक वगैरह भी बताते रहना, तो जिस तरह से भी आप बोलेंगे तो मैं वैसे ही कंटेंट बनाता रहूँगा और आप लोगों को थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करता रहूँगा। तो चलिए फिर करते हैं स्नैपचैट फिल्टर प्रैंक ऑन माई फैमिली। फाइनली गाइस, यहाँ पर हो रही है ऑरेंज पार्टी। तो ये घर के ऑरेंज है और मम्मी देखो यहाँ पर कैसे लगी हुई है, काले नमक के साथ खा रही है मम्मी यहाँ पे। और कन्नू भी आ गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे ना फिल्टर प्रैंक करने वाले हैं स्नैपचैट के। तो ये देख ही सकते हैं, यहाँ पे ये वाला फिल्टर मैंने लगाया हुआ। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, भाई इसके अंदर बाल कितने लंबे हैं यार। तो बस ये देख लो, सबसे पहला फिल्टर जो कि स्नैपचैट का है मम्मी पे है। तो मम्मी देखो कैसे लग रही है, जैसे फ़ौरन से आई है ना, कमेंट करके बताना नीचे। तो गाइस अभी प्रैंक कर रहे हैं चाची पे। तो ये देख लो गाइस, चाची और सोनू दोनों का फेस एक ही तरह का लग रहा है। और कन्नू नहीं दिखा रहा अपना फेस यार। कन्नू ऐसे मत करना यार, ऐसे मत कर यार, दिखा तो सही। तो गाइस ये देख लो, दोनों फ़ौरन से आ गई हैं और तीसरी ये रही। तो गाइस अभी बताना कि मेरा हेयर स्टाइल कैसे लग रहा है। और ये देख लो सभी के हेयर स्टाइल, ये वाला दिखाते हैं आपको लगा के। कन्नू दिखाना अपना फेस। तो गाइस देख लो, और मम्मी देखो गाइस, मम्मी आई है नाइजीरिया से। पता नहीं यार कौन सा था वो, कौन सा देश था, नाइजीरिया ऐसे कुछ नाम है यार उसका। तो ये हेयर स्टाइल उन्हीं का होता है। तो ये देख लो गाइस कितना मस्त लग रहा है मेरे पे। तो गाइस ये वाला फिल्टर देखना, मैंने अपने बाल फिर से बढ़ा लिए। और ये देख लो गाइस, कन्नू के भी लग चुका है, कितना मस्त लग रहा है ये। तो गाइस एक बार इन पे ही ट्राई कर लेते हैं। चाची आई है चाइना से और ये आई है जापान से। और मम्मी पता नहीं कहाँ से आई है, मम्मी के तो रहने के लग गई। पाकिस्तान से नहीं, ये तुर्किस्तान से आई है मम्मी। तो गाइस ये वाला जो है फिल्टर, मुझे अपने फेस पे देख के हंसी आ रही है गाइस, देखना। हाँ जी क्या लेके आना? ऑरेंज टीचर। और ये देखना गाइस इसका फेस देखना। हेलो मैम, आप कहाँ से आए हो? आप ऑस्ट्रेलिया से हो क्या? दिखाओ एक बार दांत दिखाना। ये देखना गाइस, जैसे गाय के दांत निकलते हैं वैसे निकल रहे हैं। और कन्नू देखना गाइस, दिखाओ ना। मम्मी देखो गाइस, और गाइस ये देखना कन्नू के लग चुका है बंदर का मुंह। बंदर का मुंह लग चुका है गाइस इसके। ये देखना गाइस, चाची के पीठ पे बैठ गया बंदर और वो निकाला है यहाँ से जू जू निकाला है। तो गाइस ये देखना कन्नू, बंदर बैठेगा तेरी पीठ पे, बंदर बंदर बैठेगा बंदर। ये देखना गाइस, इसके कंधे पे बैठ चुका है बंदर और वो इसके ना सिर में कर रहा है खारिश। और ये देख लो गाइस, इनकी पीठ पे भी बैठ जाएगा थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस कन्नू बन चुका है कुत्ता, कुत्ता बन चुका है ये। कन्नू जीव निकाल दे एक बार, जीव निकाल के दिखा। ये देख लो गाइस कितनी लंबी जीव है इसकी।
एक बार गाइस मैं अपने ऊपर लगा के भी देख लेता हूँ। जीप बहुत ही लंबी निकली है, पता नहीं कितनी बार निकल गई यार जीप, मैं निकाल नहीं रहा बट खुद निकली जा रही है अपने आप। तो गाइस हमारी रायपुर की रानी बैठ चुकी है हमारी सुपर बाइक पे, ये देख ही सकते हैं आप लोग कितनी मस्त लग रही है यार। तो फाइनली गाइस हम दोनों ने अपने सिर पे बांध ली है पगड़ी और क्या मस्त अपनी इमेज आ रही है यहाँ पे, वीडियो आ रही है। तो कहाँ पे जाना है, चलो चलते हैं। तो गाइस देखना कितना अच्छा लग रहा है ये वाला फिल्टर हम दोनों पे। तो गाइस एक बार ना मम्मी के सिर पे भी पगड़ी बांध ही देते हैं और देखते हैं। ये देख लो गाइस मम्मी तो एकदम मस्त लग रही है भाई, सूट भी नीले रंग का, पगड़ी भी नीले रंग की और ऐनक भी नीले रंग की, और चाची भी लगा के देख लेते हैं गाइस। हे गाइस मैं हूँ चाइना से और ये फिल्टर आपको आई होप कि बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो ये देख ही सकते हैं कन्नू ने भी यहाँ पे लगा ही लिया है और इस पर ट्राई करते हैं एक बार गाइस। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने थोड़े बहुत जो फिल्टर थे ना स्नैपचैट के वो अपनी फैमिली पे प्रैंक करके देख लिए, तो काफ़ी अच्छे फिल्टर थे और बहुत ही मज़ा आया। तो अभी ऐसे करते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और शाम को व्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि तभी बच्चे भी आ जाएंगे ना तो उन पर भी फिल्टर ट्राई करेंगे और देखेंगे भाई क्या रिएक्शन आते हैं सबके। तो गाइस जहाँ पर लगा हुआ है चेस का मैच इन दोनों के बीच में, कन्नू और सोनू दोनों खेल रहे हैं यहाँ पर। अब सोनू को पता नहीं चल रहा कि कौन सी चाल चले, तो ये यार बहुत ही मुश्किल गेम होती है, मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैंने कभी खेली नहीं है और ना ही मुझे पता है किस तरीके से खेली जाती है। शायद इन दोनों को पता है तो मस्त लग हुए हैं यहाँ पे, टाइम पास कर रहे हैं अपना। 2 hours later तो फाइनली गाइज आप लोग जैसे कि पीछे देख रहे हैं कि बच्चे आ गए हैं ट्यूशन पे, तो अभी हम लोग करने वाले हैं इनके साथ प्रैंक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइज बच्चों भी हो रहा है प्रैंक, इसका फेस देखो कितना अच्छा आ रहा है, क्या नाम है इसका, हैरी, और ये देखो। तो गाइस हम लोगों ने लगा लिया है ऐनक और बियर्ड भी सेट करवा लिया है, तो ये देखो कितना अच्छा फिल्टर लग रहा है अभी। आज देखिए गाइस ये वाला जो माफ करे बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो रहने दो, फिल्टर है बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ये देख लो। तो गाइस ये फिल्टर लग चुका है इस लड़की के फेस पे, बहुत ही अच्छी स्माइल आ रही है। इधर देखो बच्चे, और ये देख लो गाइस, अबे कहाँ का डोन है भाई तू, ये देख लो कितना खतरनाक लग रहा है ये गाइस, देखना गंजा हो चुका है यार। ओए गाइस ये तीनों गंजे हो चुके हैं गाइस, ये देख लो लड़की कितनी अच्छी लग रही है, और बच्चे यहाँ पे देख लो गाइस कैसे शोर मचा रहे हैं। ओए अपना फेस क्यों छुपा रहे हो सभी, और ये देख लो गाइस कितने मस्त लग रहे हैं। तो गाइस जितने भी बच्चे हैं डर के मारे ना अपना सारा ना फेस छुपा रहे हैं सभी, ये देख लो गाइस कैसे आगे बुक्स लेके बैठे हुए हैं, हटा लो यार नहीं बनाता तुम्हारा प्रैंक, और ये देख लो गाइस कितने मस्त लग रहे हैं, ये देखो गाइस कितने मस्त लग रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग लगाने वाले हैं कढ़ाई वाला फिल्टर, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, ये देख लो रोने वाला मुंह बन गया मेरा खुद का। तो गाइस अभी इन पे अप्लाई करते हैं, ये देख लो बच्चे कैसे रो रहे हैं सभी, लड़की कैसे रो रही है यार, सारे फेस छुपा रहे अपना यार। तो गाइस अब की बार ना हम लोग करने वाले हैं जोकर प्रैंक ऑन स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं उनके ऊपर जोकर प्रैंक करेंगे, मेरा खुद का फेस जोकर की तरह हो गया, जोकर आ चुके हैं यहाँ पे। ये तो अब पकड़ा गया, इस बार नहीं पकड़ा गया भाई तू, और ये देखो गाइस जोकर। फिलहाल गाइस इनके साथ तो प्रैंक कर लिया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज के इस ब्लॉग के अंदर, और आप लोग मुझे ये बताना कि यार आप लोगों को डेली ब्लॉग चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और क्योंकि डेली ब्लॉग पे काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना कि हमें डेली व्लॉग्स चाहिए, मैं उसी हिसाब से कंटेंट बनाऊँगा जो भी आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे। और हाँ गाइज अपना दूसरा चैनल जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, उस पर सिर्फ मोटो व्लॉग्स ही आएँगे जिसपे हम लोग ना अपने एरिए में तहलका मचा देंगे। तो फिलहाल आज के ब्लॉग के अंदर इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट कर देना, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को क्या करना है, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, गुड बाय।